अच्छा आजकल जो ये बड़ा चल रहा है बिकॉज एन डिग्रियाँ बेकार होती हैं और बस स्किल की तरफ जाएँ यार बेकार तो नहीं होती फर्स्ट ऑफ़ ऑल इल्म किसी भी तरीक़े का हो किसी भी तरीके से लिया जाए तो उसका अपना फ़ायदा तो होता है मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आम, क्या, क्या लफ्ज़ होता है उसके लिए क्या आपका जो मतलब एक प्लान एक जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ना hmm. कि अच्छा भाई मतलब 16 साल पढ़ोगे तभी ओ, आपका ओ लेवल होगा मैट्रिक होगा जो भी होगा ये एक लेवल होगा उसके बाद फिर दो साल कॉलेज के होंगे चार साल यूनिवर्सिटी के होंगे तब जाके बैचलर्स होंगे देन यू विल बी विल्प्लीटली एजुकेटेड प्रोफेशनल पर्सन रेडी टू रेडी टू एंटर द प्रोफेशनल फील्ड मेरे ख्याल से ये चीज ना बहुत अरसे पहले ऑब्सलीट हो चुकी है इट्स जस्ट दैट कि दुनिया में चेंज इतनी तेजी से आ रहा है uh, कि एजुकेशन जो है ना उससे कोप कर नहीं पा रही है सो so, जो क्रेडेंशियल की बात है बैचलर्स होना मास्टर्स होना ये सारी चीज़ें क्रेडेंशियल की तो अपनी वैल्यू है कि भाई जाहिर सी बात मिसाल के तौर पर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है आपको जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्रेडेंशियल है तो ये एक मेयार है जो पूरी दुनिया में चल रहा है तो इस वजह से क्रीडेंशियल तो अपनी जगह पर है मेरे ख्याल से ये जरूर है लेकिन कि डिग्री की उतनी ज़रूरत नहीं रही है जितनी इवन दस साल पहले तक थी मैं अभी पिछले तीन चार महीने से फ़ारग चल रहा हूँ तो इस दौरान में मैंने ये किया है कि मैं अपनी मुझे यही हुआ कि, कि यार मतलब अगर फ़ारिग हूँ तो पहले तो होता था फ़ारक बैठे मटर छील ले तो वो मटर छीलने वाले वाला तो हिसाब किताब नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि अपनी थोड़ी सी स्किल डिवेलपमेंट पर अगर काम किया जाए कि मैं देखूँ कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन वगैरह मैं करता हूँ तो उसमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट आजकल मुझे बड़ा चढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैं करता मैं वही हूँ It's just that, the proper product management होती है तो उसकी क्या चीजें होती हैं। तो ये सब करने के लिए फ्री प्रीमियम होता है ना वो कई सालों से पढ़ा हो तो मैंने कहाज इसको इसको mm -hmm. अपनी, अपनी पे आप लर्न कर रहे हैं उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है सारी चीजें आप सीख भी रहे हैं उसमें बाइट साइज exactly yeah, so तो आपकी लर्निंग है मतलब, बारे में बताएं मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट का है जिस तरह तो उसमें ओवरव्यू से स्टार्ट किया प्रोडक्ट मैनेजमेंट इट होती क्या है कि कोई प्रोडक्ट अगर आपको बनानी है तो उसके क्या स्टेजेस होते हैं और प्रोडक्ट मैनेजर है उसका क्या रोल होता है पर्टिकुलरली कि किसी टेक टेक प्रोडक्ट अगर आपको बनानी है तो जो एक टेक्निकल काम करने वाला आदमी है और जो कस्टमर है उसके बीच वाला रोल है प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो आप समझ लेंगे डायरेक्टली वो बस सीईओ को रिपोर्ट करता है उसको ही इज नॉट द बॉस ऑफ एनी वन येट ही इज द ग्लू दैट स्टिक्स टुगेदर राइट अब ये इतने इतने से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिनट की वीडियो तीन मिनट की वीडियो द कोर्स इट से आपकी मर्जी है कि आप उसको महीने में करें छह महीने में करें आठ महीने में करें जो भी है mm -hmm. सुकून से करें आप उसकी सर्टिफिकेशन भी आपको मिल रही है कम्पलीटली वैलिड सर्टिफिकेशन है कोई जरूरत नहीं है किसी यूनिवर्सिटी जाने की और प्री मच मुफ्त में हो रहा है लाइक लिंकडन लर्निंग तकरीबन पांच हजार रुपये महीना मेरा ख्याल पड़ता है आपको जब सीखना है तो उसके आप पैसे दे दें और फिर कोर्सेज वगैरह कर लें क्रेडेंशियल भी आपके ऐड हो रहे हैं तो स्किल्स इस तरीके से डेवलप की जा सकती हैं अब उसके लिए मुझे कोई पर्टिकुलरली ये नहीं है कि मैं बैचलर्स इन या मास्टर्स इन या पी इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट करूं तभी जाके मैं प्रोडक्ट मैनेजर कहलाऊंगा तो ये वाली नीड तो खत्म हो चुकी है और अब ये वो क्रेडेंशियल एक जरूर रहेगा उस क्रेडेंशियल की वैल्यू अपनी जगह पे है अच्छा और जो चार साल की जो रिगरस पढ़ाई है ना आई एम नॉट अगेंस्ट दैट बाय द वे मैं वर्णाप आज़ाद चाय वालों को शायद बुला लूँ वो <laughs> आपको बता देंगे hmm. कि डिग्रीज वगैरह फजूल हैं डिग्रीज फजूल नहीं हुई हैं चार साल की जो अपनी रेगुलर स्टडी है उसकी वैल्यू अपनी जगह मौजूद है लेकिन ये जो स्किल डेवलपमेंट है ना आई थिंक ये एक एक ये एक ये चीज़ है जो शुरू से आपको अपने अंदर डेवलप कर ही लेनी चाहिए बिकॉज दिस इज दिस इज द प्रेजेंट पाकिस्तान में नहीं है लेकिन ग्लोबली दिस इज वट गोइंग ऑन वो uh, की कोई मूवी है जिसमें टीचिंग दिज यंग उसको यही बता रहा होता है कि लाइक कि जब तुम जॉब मार्केट में जाते हो वो तुमसे डिग्री क्यों मांगते हैं और डिग्री ये मांग इसलिए मांगते हैं कि दे वॉन्ट टू सी दे वॉन्ट टू सी अ सर्टिफिकेट कि तुमने डिसिप्लिन से चार साल एक इंस्टीट्यूटर टाइम पे उठे हो एक जगह गए हो तुमने जो है कोलैबोरेट करके काम किया है कोई प्रोजेक्ट साथ किया है कोई असाइनमेंट किया है दे जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ गुड ऑफ अ टीम वर्कर एंड हाउ डिसिप्लिन यू आर दैट्स डेट से तो लर्निंग तो है ना ये कहना कि वो बिल्डिंग बिल्कुल बेकार है या आप कुछ देखिए यहाँ तक मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जो हैं दे आर ऑफकोर्स मनी मेकिंग मशीन्स और उनका तालीम देना या शूर बांटने से उनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तो मुझे हजारों की तादाद में लोग रेज्यूमे भेजते हैं अगर मैं कभी लगाऊँ कि मुझे एडर चाहिए तो मुझे एक अकाउंटेंट भेज रहा होता है कि मैं मतलब इतनी एक तो डिस्परेशन भी है दूसरा ये कि पीपल डोंट नो वेयर टू आस्क एंड व्हाट टू आस्क और फिर वो रिज्यूमे जिस तरह के होते हैं ई मेल सब्जेक्ट नहीं होता hmm. ठीक है ई मेल प्रॉपर सैल्यूटेशन नहीं होती कई बार तो ई की बॉडी खाली होती बस अटैचमेंट ये ले मेरे ये ले, <laughs> ये, ले <laughs> ये ले ये चाहिए ना ये ले ये ले यार मैं आपको बताऊँ बड़ा प्राउडली मैं सबको बताता हूँ आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की थी आई ग्रेजुएटेड विद टू पॉइंट 2.0 ठीक है आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट एम्प्लॉयड होता ये था कि आई हैव ऑलवेज बिन इन टू थिएटर परफॉर्मेंस और इवन uh, यूनिवर्सिटी में था कि सोसाइटी चलाता था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स थी वो मैं चलाया करता था इन सारी चीज़ों में आई आई वाज रियली गुड और hmm. मज़ा आता था ये सियासतें खेलने में और इवेंट्स ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में यार टीचर्स मुझे बोला करता था कि यही सब करते रहना पढ़ना नहीं अब क्या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा हूँ किसी का हक मार रहा हूँ कत्लो हारत मचाई हुई क्या कर रहा ऐसा hmm. आप और मैं अगर मतलब सेम सेम पेपर दे रहे हैं सेम क्लास में अ, लोग हैं आपने भी, आपने भी जवाब लिखा मैंने उससे बेहतर जवाब लिखा हो दस मार्क का अगर क्वेश्चन है आपको आठ मार्क्स मिल रहे होंगे सुकून से मुझे दो मार्क्स के लिए भी लड़ाई करना पड़ती थी ये मैंने यूनिवर्सिटी में जाके एक्चुअली एक्सपीरियंस किया कि जस्ट बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन आई वॉज सिंगल आउट क्या आप कुछ गलत कर रहे हो when इन फैक्ट मतलब लाइक इन्हीं सारी एस्ट्रा करिकुलर्स वगैरह की वजह से मैं जब पहले अपने इंटरव्यू में जा आज तक सिर्फ एक जगह जहाँ का इंटरव्यू मेरा फेल हुआ था और वो पर्टिकुलरली इसलिए था कि वो एन ई डी के लड़के थे और नष्ट का आदमी नहीं हायर करना चाह रहे थे That's it. सिर्फ इस वजह से मतलब बुक्स की बुनियाद में hmm. और वहाँ शिया सुन्नी इशू भी था शायद तो बुक्स की बुनियाद पर यह फेल हुआ है अदरवाइज जहाँ तक स्किल्स की बात है जहाँ तक बात करनी बातचीत करने का ताल्लुक है ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर्स की वजह से लीं वजह से सीखी यूनिवर्सिटीज यहां पे ना दिमाग बंद करती हैं लोगों का लिटरली मतलब आप क्रिएटिव अगर हैं तो मतलब योर योर एट अ लॉस क्या आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं इसीलिए तो है ना कि आप जब एक्सपोर्ट्स यार यहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान अपनी कोई चीज़ क्यों नहीं बनाता इसलिए नहीं बनाता कि जहाँ पे इंजीनियर है इंजीनियर को आप वही दफ्तरी लड़का जब तक आप नहीं बना लेंगे दफ्तरी लड़की जब तक आप नहीं बना लड़की तो खैर मतलब वो तो सेटल किया भाई है ना कि लड़की है तो उसकी तो शादी होगी डेफिनेटली वरना वो खलील रहमान कमर और साहिल अदीम वाला भी एक पॉइंट है कि घर से निकली क्यों रही है सो इसी टाइप के आपको लोग बनाने के ग्रेजुएट हों और जाके ये नौकर लग जाएंगे तो जब नौकर आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो नौकरी करेंगे इनोवेट नहीं करेंगे इनोवेट नहीं करेंगे और इनोवेशन में यहाँ पे होता भी क्या है <laughs> अभी बैक इन ट्वेंटी या सेवनटीन था इशरतुलबाद साहब गवर्नर थे सिंध के उन्होंने सारे ए लेवल के जितने भी आ, आ, स्कूल से उनके हेड्स वगैरह को बुलाया था इनोवेशन चाहिए मुझे और सब बैठे में अच्छा सही ये लाए इनोशन वेर आर यू तो अब यह है कि भाई इनोवेशन का मतलब भी नहीं पता यार किसी को Hmm. क्यों नहीं पता बिकॉज इनोवेशन इज 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 दिस फियरलेसनेस जो आपको hmm. चाहिए आप यूट्यूबर बने आप उस टाइम पे यूट्यूबर बने हो. हम तो आपको उस वक्त से जानते हैं जब आपके भालते जुनेद भाई सो so,

सिर्फ लोग चाहिए बेसिकली बेसिकली नौकर, नौकर चाहिए नौकर चाहिए और बेसिकली जो नौकर जब नौकरी पे जाएगा तो फिर इनके बाद दिखाने को कि हमारे ग्रेजुएट जो हैं इतने परसेंट यहाँ इतने परसेंट फलाना सीमेंट में इतने परसेंट एगरों में इतने परसेंट यहाँ यही यही वही क्रिडेंशियल ही बन के रह गई है ना क्योंकि क्रेडेंशियल है बस क्रेडेंशियल ले लो और उसके बाद फिर आप कुछ भी करते रहो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा शुक्रिया